बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशोखुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अब इस दुनिया में बड़े ही अजीबोगरीब और अफसोसनाक वाकयात होते हैं, जहाँ पर जिन मुल्कों में सिस्टम नहीं होता, लॉ नहीं होता, या होता भी है तो उस पर अमल पैरा नहीं किया जाता, वहाँ पर कोई भी किसी पर तशद्दुद कर सकता है, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता है। वहाँ पर लोग अपने जरगे लगा लेते हैं, वहाँ पे अपनी अदालतें लगा लेते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला कर लेते हैं कि हमने किसको मौत के घाट उतारना है, किसके साथ बुरा करना है। जरगे लगा कर, अदालतें लगा कर, ऑन द स्पॉट जो है गलत सही का फैसला खुद कर लेते हैं। तो इसके लिए किसी भी मुल्क का सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के मुल्कों में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोग कोई भी गलत काम करने से पहले हज़ार बार सोचते हैं। उनको पता होता है कि हमने कुछ गलत किया तो हमें जो है बहुत ही सज़ा दी जाएगी। सज़ा और जजा का सिलसिला अगर सालों तक ना लटकाया जाए तो डेफिनेटली उन माशरों में जो है वो इस तरह के वाकयात परवान नहीं चढ़ते। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती, लोगों पर इतनी दहशत बैठी होती है सिस्टम की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि गलत काम करने से पहले 10,000 बार आप सोचते हैं कि अगर हमने कोई भी गलत काम किया, किसी के साथ ज्यादती की, किसी के साथ कोई भी ऐसा गलत काम किया जिसका नतीजा जो है हमें भुगतना पड़ेगा, हम जो है अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, तो वो माशरे डेफिनेटली तरक्की करते हैं। उन माशरों में गलत काम नहीं होते, सजा और जजा का सिलसिला जो है चलता रहता है, उसको नाफिज करना बहुत ज़रूरी है। ये वाकया क्या है, जहाँ पर लैया में पसंद की शादी की, लड़का और लड़की ने दोनों बालिग थे, दोनों पसंद की शादी करने के अहल थे, उन्होंने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की के घर वालों ने, लड़की के भाइयों ने अपना जिरगा वहीं पर लगा लिया, अपनी अदालत वहीं पर लगा कर जो है लड़के पर इस हद तक बदतरीन तशद्दुद किया। ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि वीडियो बनाते रहे और उसके साथ गलत काम करते रहे, बुरा करते रहे, वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर ली और बहुत ज्यादा बुरा सलूक उसके साथ किया गया। सारा मामला क्या है, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि हमारे माशरे में एग्जैक्टली मामला क्या हो रहे हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है जिसके नुकसान हम सबको उठाने पड़ते हैं। और जिसने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन में क्लिक जरूर करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो लड़की के भाइयों और रिश्तेदारों ने अदालत खुद ही लगाई, लड़के के वालिद की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ना सिर्फ उस पर तशद्दुद किया गया बल्कि उस तशद्दुद की जो है वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की और बेचारे लड़के के साथ बहुत ही इंसानी सोच सलूक किया गया। लैया का ये इलाका है जहाँ पर लड़का लड़की ने जो है पसंद की शादी की, कोर्ट मैरिज की और फिर जो है उसको उसको गुनाह तसव्वुर किया गया, गुनाह समझा गया। उन्हें अगर इस चीज़ पे एतराज़ था तो बैठ के बात होती, जो है जिरगे के पास जाते, अदालत के पास जाते, पुलिस के पास जाते, लेकिन उन्होंने किसी पर भी एतमाद का इजहार नहीं किया बल्कि उन्होंने जो है सोचा कि हम जो है लड़के के साथ गलत करेंगे, हम इंसानियत सोच सलूक करेंगे और हमें कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क के सिस्टम पर जो है वो तमाचा मारा गया है इनकी जानिब से। लड़के के भाइयों ने लड़के को पहले सबसे पहले गलीज और गंदा पानी पिलाया, उसको फिर उसके कपड़े जो है उतार कर उसको पूरे के पूरे एरिया में जो है घुमाया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको बहुत मारा पीटा गया। उसके बाद लड़के पे जितना भी वो तशद्दुद कर रहे थे उसकी वीडियो बनाई गई, वो वीडियो जो है इंटरनेट पर वायरल हुई। उसके बाद पुलिस जो है उसके पास लड़के का वालिद गया और मुलजिमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया, वो वीडियो दिखाई, वो बताया कि जी इस तरह इन्होंने खुद ही अपना जरका लगाया है। लड़की से आप बात कर सकते हैं, लड़की जो है वो बालिग है, उससे पसंद की शादी की है और पसंद की शादी इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। उसके बाद जो है वो बातचीत होने के बजाय, चीज़ों को तरीके से सॉर्ट आउट करने की बजाय जो है इन्होंने इस तरह का गंदा रवैया अपनाया, लड़के को खूब मारा, खूब पीटा, गंदा पानी पिलाया, उस पर तशद्दुद करते रहे। अब जो है वो FIR तो दर्ज करवाई गई है लड़के के वालिद की जानिब से, अब देखना यह है कि पुलिस जो है कब कार्रवाई करती है और कब इन लोगों को जो है कटहरे के पीछे लाया जाता है, इनको जेल के अंदर बंद किया जाता है। मैं हमेशा ये बात समझती हूँ कि हम लोगों को बातें जो है ना वो चीज़ों को ना बातों के जरिए सॉर्ट आउट करना चाहिए। तशद्दुद, मारना पीटना, लड़ाई झगड़े किसी चीज़ का हल नहीं, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर जब हम माशरे को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं हमारे बच्चों पे क्या असरात होते हैं, हमारी फैमिली पे, जो लोग देख रहे हैं, ये इससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही परवान चढ़ती है। मैं मानती हूँ, ठीक है, पेरेंट्स का हम पर बहुत ज़्यादा हक होता है, हमें पेरेंट्स की रजामंदी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए,
ज़रूर ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अपनी मर्जी का जो है जीवन साथी चुनना चाहता है, एटलीस्ट मारना पीटना कत्लो गारत लड़ाई झगड़ा ये किसी चीज़ का हल नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, इन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप किसी के बंदे को मारेंगे, चार बंदे उनके आपको मारेंगे, ये दुश्मनी का सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, ज़िंदगी इस हद तक छोटी है कि हमारे पास नफ़रतों के लिए वक्त नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को गलत काम करने से रोकना चाहिए, लेकिन 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 मारना, तशद्दुद करना, पीटना, बुरा रवैया अख्तियार करना ये किसी चीज़ का हल नहीं है। चीज़ों को बातचीत के ज़रिए सॉर्ट आउट करना चाहिए था। अब इन लोगों को अगर इनको प्रॉब्लम थी, ये जरगे से कंसल्ट करते, ये पुलिस से कंसल्ट करते, ये चार बंदे बड़े बंदों को बिठाते, लेकिन इस तरह का रवैया ये काबिले कबूल नहीं है। किसी इंसान को जानवरों की तरह पीटना, जानवरों जैसा सलूक करना ये इंसानियत की तोहीन है, ये इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, बल्कि तमाचा कह लें वो कम ना होगा। तो ये बड़ी तकलीफ दी स्टोरी थी, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। हम इन वाक़यात को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अवेयरनेस के लिए एटलीस्ट हम वीडियो बना सकते हैं लोगों को बताने के लिए कि मारना पीटना तशद्दुद कत्लो गारत ये किसी चीज का हल नहीं है। हमें हर चीज जो है वो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम डिस्कशन करेंगे, चीजों को बात के जरिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, वो डंडे चाकू बंदूकें नहीं कर पाते। तो प्यार की जो जुबान है, प्यार के जो अल्फाज हैं, वो दुश्मनों को भी जेर कर देते हैं, दुश्मनों को भी बंदूकें जो है झुकाने पर मजबूर कर देते हैं। तो प्यार को प्रमोट करें, इंसानियत को प्रमोट करें, ना के जो है गुंडागर्दी को, कत्लो गारत को और मारपीट को प्रमोट करना, ये इंसानियत की तज़लील है। और हम एज अ गुड नेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का ये काम है कि हम जो है वो अच्छे काम करें, अच्छाई का दस्त दें और अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और जितने लोगों में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि प्यार की ज़ुबान जो है ना वो मारपीट से बहुत बड़ी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ने की बात।